भारत तक अब नए अंदाज में। चीन जनरल बिपिन रावत की बातों से बुरी तरह बौखला गया है। एक संवाददाता सम्मेलन में जब उससे जनरल रावत के बारे में सवाल हुआ तो वो बुरी तरह बिफर पड़ा। कारण साफ था कि चीन को लेकर भारत का नजरिया तल्ख हो गया है। भारत अब चीन से बराबरी की ही बात कर रहा है, जो चीन को हजम नहीं हो रहा है। और तो और, जनरल बिपिन रावत ने कुछ ऐसे बयान दिए थे जिसे सुनकर चीन यकीनन चिढ़ गया था। जनरल बिपिन रावत ने हाल ही में चीन को भारत की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बता दिया था, यानी कि दुश्मन नंबर वन। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया था कि LAC पर भेजे गए हजारों सैनिकों और हथियारों की वापसी लंबे वक्त तक नहीं हो पाएगी, क्योंकि उनका मानना था कि परमाणु शक्ति संपन्न दो पड़ोसियों के बीच सीमा विवाद को सुलझाने की कोशिशों में विश्वास की कमी और संदेह बाधा बनी हुई है। पिछले महीने दोनों देशों के बीच सैन्य स्तर की बातचीत गतिरोध के साथ खत्म हुई, क्योंकि दोनों देश इस बातचीत पर सहमत नहीं हुए कि सीमा से कैसे सैनिकों को वापस बुलाया जाना है। पिछले साल से ही LAC पर तनाव के बीच दोनों देश सीमा पर सैनिकों के साथ हथियार भी बढ़ाने पर जुटे हुए हैं। जनरल रावत ने ऐसे में कहा था कि भारत सीमा पर और समुद्र में किसी भी दुस्साहस से निपटने के लिए तैयार है, जिससे चीन चिढ़ गया था। और अब चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल वू कियान ने एक ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि भारतीय अधिकारी बिना किसी कारण के तथाकथित चीनी सैन्य खतरे पर अटकलें लगाते हैं, जो दोनों देशों के नेताओं और रणनीतिक मार्गदर्शन का गंभीर उल्लंघन है कि चीन और भारत एक दूसरे के लिए खतरा नहीं है और भू राजनीतिक टकराव को भड़काना गैर जिम्मेदाराना और खतरनाक है। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक पुराने चीनी कहावत का भी उल्लेख किया और कहा कि यदि आप तांबे का उपयोग दर्पण के रूप में करते हैं तो आप तैयार हो सकते हैं, यदि आप इतिहास का दर्पण के रूप में उपयोग करते हैं तो आप उत्थान और पतन को जान सकते हैं, यदि आप लोगों को दर्पण के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो आप लाभ और हानि को समझ सकते हैं। जाहिर तौर पर चीन यहाँ पर यह बताने की कोशिश कर रहा है कि वो भारत से बहुत ज्यादा मजबूत है, लेकिन चीन की ये गलतफहमी मौके मौके पर भारत दूर करता रहा है। आगे भी अगर कोई ऐसी परिस्थिति बनी तो यकीनन चीन की ये गलतफहमी भारत बहुत अच्छे से दूर कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।